ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब उतने बेसिक में हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में आपने 11th में थोड़ा बहुत देखे होंगे, तो अच्छी बात है। नहीं देखे हैं तो फिर कभी हम आपको बता देंगे। पहली बात, थीटा हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। थीटा किसको बोलते हैं, तो थीटा होता है इंक्लाइनेशन, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट बताने वाले हैं। तो इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, मतलब कितना झुका हुआ है, कहाँ से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स 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 डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा होता है, ठीक है। पॉजिटिव थीटा, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखो ये एकदम घड़ी का सुई है, यहाँ पे क्या होता है घड़ी में, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9। तो अगर ये 3 से 6 की तरफ जा रहा है तो ये तो क्लॉकवाइज है ना, तो निगेटिव आ जाएगा। और ये 3 से 12 की तरफ जा रहा है, 3 से 12 की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि थीटा हम लोग किसको बोलेंगे, थीटा हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा लिख लेना, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए थीटा क्या होता है। अब थीटा का मालूम हो गया, ये एकदम थीटा है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इज थीटा। और अगर हमने इसी में अगर टैन अगर लगा दे तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। यानी स्लोप, स्लोप का मतलब टैन थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब टैन थीटा, याद रखेंगे, स्लोप का मतलब टैन थीटा, ठीक है। स्लोप याद रखेंगे, स्लोप इज टैन थीटा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन हम लोग किसको बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन बताया हमने, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये पेन, पेन ब्लैक। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे थीटा, थीटा हम लोग समझ गए हैं। तो आप हम लोग को स्लोप समझना है, स्लोप हम लोग किसको बोलेंगे। तो स्लोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स एंड फिजिक्स, स्लोप इज टैन थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, तो इंक्लाइनेशन, झुकाव, कहाँ से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज स्लोप। स्लोप में हम लोग टैन लगा देंगे तो टैन थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब टैन थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं एम से, एम इज टैन थीटा, ठीक है। और आगे हम आपको फिलहाल अभी बता देते हैं कि ये होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये कहाँ से आता है, ये आप डेराइव इसका सिंपल समझ सकते हैं कि ये अगर एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है बनाएंगे, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट एक्स वन है और यहाँ पे एक्स टू है, तो ये थीटा जब आप बनाएंगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है, कि ये है थीटा और ये वाली हो जाएगा अपना टैन। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस नीचे, तो एकदम परपेंडिकुलर मतलब वाई टू माइनस वाई वन, और बेस मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब बेस ये वाली है ना, तो ये वाली क्या है, एक्स का डिफरेंस बेस, तो ये कुछ नहीं है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। क्योंकि टैन थीटा निकाल रहे हैं ना, तो एकदम टैन थीटा इस वाले ट्रायंगल में एकदम क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो ये एकदम परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब वाई का, ये वाई का डिफरेंस, ये पॉइंट वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, और ये पॉइंट एक्स वन और ये पॉइंट एक्स टू, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि बेस की जगह एक्स टू माइनस एक्स वन, क्लियर है बात। तो ये हम लोग समझ गए कि टैन थीटा होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप याद रखेंगे होता है क्या है, एम, एम से हम लोग लिखते हैं स्लोप टैन थीटा, ठीक है। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, टैन थीटा मतलब वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर का मतलब वाई में, ये एकदम थीटा है ना, तो सामने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ये आ गया टैन थीटा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये हम एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें कि इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी स्लोप को ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है।
एक्चुअली में वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो स्लोप मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो स्लोप मतलब टेन थीटा, इसको हम लोग एम से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब वो कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इस सब का प्रूफ आएगा, लेकिन मतलब कि कैसे ड्राइव करते हैं तो फिलहाल उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसमें से पहला डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो पहला जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस फॉर्म में अगर कोई अगर चीज़ अगर लिखा है, कोई अगर लाइन अगर लिखा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम इसका स्लोप होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बस एम स्लोप होता है और सी जो है वाई इंटरसेप्ट, बस याद रखना है, ठीक है। सी इज वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई पे वो कहाँ पे काटा है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई पे वो कहाँ काटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन अगर देखें तो टू पॉइंट फॉर्म, तो दो पॉइंट में वाई माइनस वाई वन, अगर दो पॉइंट दिया है और ये एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। ये सब इजी है बहुत ही, ठीक है। दो पॉइंट अगर दिया है ना, ठीक है, दो पॉइंट अगर दिया है यहाँ और उस पर एक और पॉइंट मान लेंगे, तो इसका स्लोप इक्वल टू इसका स्लोप, तो वही तो किए हैं, ये वाली एक पॉइंट मतलब ये इसका स्लोप और ये इसका स्लोप दोनों का इक्वल, और स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वही वाली बहुत ही सब ये इजी है, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना, मतलब कहाँ से आया कैसे आया, बस दम याद रखना है, ठीक है, कि अगर दो पॉइंट दिया है, ठीक है, एक पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन और दूसरा दिया है एक्स टू वाई टू, तो उस लाइन का इक्वेशन, एक पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक एक्स टू वाई टू, तो इस लाइन का जो इक्वेशन है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जो है स्लोप और सी वाई इंटरसेप्ट, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे हम इसका ग्राफ बता देंगे, कहीं यूज आएगा तो। हाँ, एक और आप याद रखेंगे, ये तो याद रख सकते हैं, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे ए जो है एक्स इंटरसेप्ट और ये यहाँ लिखा है, ठीक है, ए जो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई, ये बी जो है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दिया है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन, तो ए हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। थीटा पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज, ये तो समझ गए, वाई माइनस वाई वन, ये स्लोप समझ गए। हाँ, इंपॉर्टेंट, अगर दो अगर स्लोप अगर इक्वल है, ठीक है, अगर स्लोप अगर इक्वल है, एम वन इक्वल टू एम टू, एम वन इक्वल टू एम टू, अगर ये स्लोप अगर इक्वल है तो ये हो जाएगा पैरलेल, ठीक है, ये हो जाएगा पैरलेल। और उसके बाद अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके एम वन इंटू एम टू, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वन हो जाए तो परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब हम लोग क्या समझे कि पहली बात स्लोप किसको बोलते हैं, तो स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से, ठीक है। तो थीटा समझ गए, इंक्लाइनेशन, झुकाव, अगर उसमें अगर हमने टैन लगा दिए तो हो गया स्लोप थीटा। पहली बात ये याद रखेंगे। स्लोप हम लोग निकालते कैसे हैं, एम से लिखते हैं, निकालते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, दो पॉइंट अगर गिवेन है तो। अब उसके बाद किसी लाइन को हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जो है स्लोप है और सी जो है वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये दम याद रखेंगे, ये दम कहाँ से आया कैसे आया उस पर हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद ये अगर दो पॉइंट अगर दिया है तो उस पॉइंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये अगर दो पॉइंट अगर ये अगर कोई लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवेन है, मतलब क्या है कि ये अगर लाइन है जिसका एक्स एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स पे ए पे काटता है और वाई इंटरसेप्ट वाई पे बी पे काटता है, तो वाई हो जाएगा जीरो कॉमा बी और ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ठीक है। एक्स पे काटता है ए कॉमा जीरो पे और वाई पे काटता है जीरो कॉमा बी पे, तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन। अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक
है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो एनी हाउ आपको याद करने ही पड़ेंगे, एक ये और एक ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। दो बस याद कर लो, ये सब का कोई उतना खास जरूरी नहीं है, लेकिन ये M1 M2 पैरेलल और M1 × M2 -1 इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अभी हम लोग एक्स एक्सिस का स्लोप, क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो थीटा क्या होगा एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से थीटा कितना, तो एक्स एक्सिस अपने आप से एंगल कितना बनाता है, तो अपने आप से एंगल 0 ना, नहीं समझे कोई बात नहीं। अब भी हम ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये जो है अपना एक्स एक्सिस, ओ मार्कर, एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये एकदम एंगल कितना है, एंगल हो जाएगा 0, थीटा हो जाएगा 0, यानी कि टेन थीटा, मतलब कि टेन 0, टेन 0 पे 0, यानी कि स्लोप कितना आ गया, स्लोप एम, का मतलब स्लोप हो गया 0, किसका, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, अगर अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो टेन 90, इन्फिनिटी, तो इसका स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या समझे। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका थीटा हो जाएगा 0, थीटा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा तो 0 बना दिया, तो थीटा 0, तो टेन टेन थीटा मतलब टेन 0 पे 0, यानी कि स्लोप 0, कब, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, के पैरेलल होगा तो स्लोप 0। अगर वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया, तो एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री, तो एम स्लोप हो जाएगा टेन 90 डिग्री, टेन 90 पे इन्फिनिटी, यानी कि स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस इन्फिनिटी एंड स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का 0, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। उसके बाद कोई भी लाइन पैरेलल, टू एक्स एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस का खुद का, क्या होगा, स्लोप 0, और वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी तो वही बात है, वाई एक्सिस कितना एंगल बनाता है, 90, तो टेन 90 इन्फिनिटी, और ये एक्स एक्सिस अपने आप से एंगल कितना बनाता है, 0, ठीक है। ये आप समझ गए। तो इसके बाद स्लोप इन्फिनिटी वर्टिकल लाइन का, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन। अब ये एरिया क्लास 10th में ना पढ़े होंगे, एरिया 1/2 x1, फिर प्लस x2 प्लस x3, ब्रैकेट में यहाँ पे y2 - y3, मतलब वही ऑर्डर में है, देखो 1 2 3, फिर से यहाँ पे 1 लास्ट में, फिर 2 फिर 3, यहाँ 1 बीच में, फिर 2 फिर 3, ठीक है। ये आप 10th में याद किए होंगे, ठीक है, इसको बस एक बार रिवाइज कर लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, √(x2 - x1)² प्लस (y2 - y1)² रूट में डिस्टेंस। हाँ, टेन थीटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर दो लाइन दिया है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखेंगे। मार्कर लाइक, अगर ये दो लाइन है, ठीक है, अगर ये दो लाइन है और इनके बीच का एंगल एक्यूट एंगल थीटा, जो है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, अगर अगर मालूम है तो ये वाली एंगल कितना होगी, अरे मेरे भाई ये एकदम पूरा हो जाएगा 180, तो ये 180 माइनस थीटा तो निकाल लेंगे, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल का फॉर्मूला याद करेंगे। तो ये जो एक्यूट एंगल है, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, टेन थीटा M2 - M1, M2 - M1, अगर ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको कुछ कुछ याद आएगा कि ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, किसका है ये फॉर्मूला, टेन M2 मतलब टेन, का फॉर्मूला याद है,
टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का, ये ना वैसा ही बना है, ठीक है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो फिलहाल तो याद रखना है, फॉर्मूला से लिंक करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो टेन थीटा एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। ये कहाँ से आया उसके पीछे नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है कि अगर एक लाइन ये है, ये लाइन दो लाइन है, एक का स्लोप एम वन है और दूसरे का स्लोप एम टू है, एक का स्लोप एम वन है दूसरे का स्लोप एम टू है, तो इनके बीच का जो एंगल है, एक्यूट एंगल जो है ये थीटा, ये इक्वल होगा टेन थीटा एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है, ये हो गया एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये दिस प्लस दिस इज 180, तो ये वाली हो जाएगी 180 माइनस थीटा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है ये कि अगर कोई लाइन दिया गया है, ये हम फिगर बनाते हैं, अगर कोई लाइन दिया गया है, ठीक है, ये हम फिगर थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, तो इरेजर पे क्या डिलीट हो गया, चलो। तो ये हम लोग एक एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये वाई एक्सिस बना देते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एक दूसरा कोई लाइन है, अगर एक लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन है कोई जिस पे, जिसका कि यहाँ से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी, एंड ये जो परपेंडिकुलर एंगल बनाता है ये ओमेगा एंगल बनाता है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग कैसे निकालेंगे और इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यही हम लोग को सीखना है। मतलब पहले समझ लेते हैं क्या बोला गया कि अगर एक लाइन है, ये यहाँ देखेंगे तो अगर कोई लाइन है, यहाँ ये कोई लाइन है और इस, ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज पी और ये एंगल बनाता है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एंगल बनाता है ओमेगा, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वही बात है, कॉस और साइन निकाल दिया जाए। तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर हमने एक्स कॉमा वाई अगर मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट को अगर हम एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, तो एक्स का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर हम लोग बना दें, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स और ये हो गया अपना वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो अभी हम लोग यहाँ से साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा निकाल लेंगे। तो साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा क्या होगा, तो साइन ओमेगा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 90 है और ये यहाँ पे 90 है, तो 90 यहाँ पे है और ये ओमेगा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला, ठीक है, ये है ना थीटा, ओमेगा साइन ओमेगा मतलब साइन थीटा, तो ये ओमेगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये 90 है तो ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर मतलब वाई अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है,
तो हाइपोटेनस हो गया ये वाली डिस्टेंस पी, हाइपोटेनस अपॉन में पी। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा पी साइन ओमेगा, ठीक है, पी ऊपर साइन ओमेगा। वैसे ही अगर हम लोग कॉस ओमेगा अगर निकाल दें तो कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है और ये ओमेगा है। अच्छा इसी वाले ट्रायंगल में हम लोग साइन ओमेगा निकाल लेते हैं, ये 90 है तो ये कॉस ओमेगा का मतलब बेस, कॉस ओमेगा इज बेस, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस फिर से वही उसी ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा, ठीक है, तो पी कॉस ओमेगा आ गया। तो ये हम लोग लिख लेंगे पी कॉस ओमेगा, एक्स का वैल्यू पी कॉस ओमेगा और वाई का वैल्यू पी साइन ओमेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम में आता है, ट्रिगोमेट्री में भी काम में आता है, बहुत जगह काम में आता है। ये क्या है, अगर ये अगर ओमेगा है फिजिक्स में भी काम आएगा, ठीक है, तो ये ओमेगा है तो ये कॉस के लिए क्या होता है बेस ना, तो कॉस के लिए एक्स वाला आएगा और साइन के लिए परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर इसका सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ठीक है, तो साइन में ये आ जाएगा। तो ये वाली पॉइंट हम लोग को मिल गई, ठीक है, ये पॉइंट मिल गई। अब ये पॉइंट हम लोग को मिल गया है तो क्या हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस लाइन का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, तो वही वाली फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस वाई वन, वाई वन, वाई वन की जगह ये है ना x और ये y, y की जगह p साइन ओमेगा अपॉन में x की जगह x माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या है, वही वाई माइनस वाई वन, वाई ये एक्स वन है ये वाई वन है, तो वही बात, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल टू स्लोप और स्लोप इज टेन थीटा, टेन थीटा, और ये है तुम्हारा थीटा, ये है थीटा, एक्स एक्सिस से ना थीटा बनाएंगे तो ये थीटा, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। अच्छा तो ये टेन थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल बनाया थीटा, तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन थीटा और इसको हम लोग मान लेते हैं एम वन, स्लोप इसका एम वन, ठीक है, तो इसका स्लोप अगर एम वन है और इसका स्लोप एम वन और इसका स्लोप एम टू, इस वाले लाइन का स्लोप एम टू, इस वाले लाइन का स्लोप एम टू, तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वन होगा क्या, तो एम वन इंटू एम टू माइनस वन कर दे क्या, एम वन इंटू एम टू माइनस वन, एम वन इंटू एम टू माइनस वन, क्यों भाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वन आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो माइनस वन आएगा, तो ये एम वन, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन क्योंकि परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एम वन का वैल्यू क्या है, एम वन का वैल्यू मतलब इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का टेन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा, तो इस लाइन का थीटा हो जाएगा ओमेगा, तो टेन ओमेगा इंटू टेन थीटा, दिस इज माइनस वन, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन अपॉन में टेन ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हम लोग ये टेन ओमेगा को हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन ओमेगा अपॉन में कॉस ओमेगा, तो नीचे तो ऊपर हो जाएगा कॉस और नीचे हो जाएगा साइन, यानी कि माइनस कॉस अपॉन में नीचे साइन ओमेगा, ठीक है, कॉस साइन में चेंज कर लिए, फिर से एक बार समझ लिया जाए, इसको बोलते क्या है, देखो हेडिंग लिख लेना, ये बहुत ही काम आता है, नॉर्मल फॉर्म इसको बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन का नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। और इसमें करते क्या है हम लोग,
कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है, इसमें से एक लाइन है नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन है, इस लाइन जो है 90 डिग्री बनाता है, कहाँ से, ओरिजिन से, मतलब वही परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पी है, ओरिजिन से डिस्टेंस पी, और ये परपेंडिकुलर जो है एंगल ओमेगा बनाता है। कंडीशन समझना, अगर कोई लाइन है, क्वेश्चन तुमको क्या बोला जाएगा कि अगर एक लाइन है जो कि ओरिजिन से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है और वो एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल बनाता है, दो कंडीशन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी और वो एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल बनाता है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकाले। तो पहली बात कि ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये तो ये पॉइंट हो जाएगा पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा, पी तुमको दिया होगा, ओमेगा गिवेन होगा, तो निकाल लेंगे ये पॉइंट। अब ये पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन में डाल देंगे वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये टेन थीटा कहाँ से आएगा, तो इस लाइन का है टेन थीटा, इस लाइन का टेन थीटा है, ये एम वन, एम वन की जगह टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा। इस वाले लाइन का नाम है एम टू, एम टू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा है ना एंगल, देख बाबू ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसमें टेन लगा दो, ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाया थीटा, तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, और ये कितना बनाया एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाया ओमेगा, तो इसका एम टू यानी स्लोप हो जाएगा टेन ओमेगा। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वन, तो यहाँ से टेन थीटा बन गया, टेन यानी माइनस वन अपन में टेन ओमेगा, टेन का मतलब साइन और ऊपर कॉस, नीचे साइन ऊपर कॉस, बस हो गया। अब ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, टेन थीटा की जगह डाल देंगे क्या, माइनस डाल देंगे माइनस कॉस ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन में साइन ओमेगा, और ये जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ना, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाता है एक्स कॉस ओमेगा, याद रखना है एक्स कॉस ओमेगा कैसे आया, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा कि आप याद रखें एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ठीक है। अब ये ना बहुत सारे बच्चे लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसका हम लोग डेरिवेशन भी बता देते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें समझना भी है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वन, तो एक चीज़ तो ये याद काम में आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन अभी हम लोग पढ़े थे कि वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप टेन थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन, तो ये भी काम में आ गया हम लोग को सीखने को। अभी हम लोग यहाँ से कॉस ओमेगा निकाले साइन ओमेगा निकाले, तो यहाँ से एक्स कॉमा वाई मिल गया। तो अगर एक लाइन दिया जिसका कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, एक चीज़ ये गिवन होगा, दूसरा कि वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा बनाती है, तो ये अगर ओमेगा बनाती है तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन ओमेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। अब ये लाइन और फिर ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वन, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा का वैल्यू, और इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। और ये हम लोग पहले से देखे हुए हैं कि अगर कोई लाइन है उस पर अगर एक पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इस लाइन का हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से ये आ गया। और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, चलो। तो ये तो हो गया, हम लोग नॉर्मल फॉर्म देख लिए, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्म इसको बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, तो एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवेन होगा और ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाया है वो गिवेन होगा, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये वाई एक्सिस बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर एक पॉइंट पी है एक्स कॉमा एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन अगर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, एक लाइन है यहाँ से, ये लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन है, इसको हम और भी अच्छे से बना देते हैं, ठीक है।
अगर एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका यहाँ से डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये अगर एक पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन है और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, मतलब क्या है कि अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है। अगर एक लाइन गिवन है तो लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये एक पॉइंट है कोई एक्स वन कॉमा वाई वन। तो अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। हेडिंग क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। और ये अनदर इम्पॉर्टेंट इसमें अपना नेक्स्ट जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, फ्रॉम लाइन, ठीक है। तुमको बोला जाएगा कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकाले। कोई एक लाइन दे देंगे कि ये लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट है 3,5, इसका डिस्टेंस निकाले। तो ये जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही ईजी है, याद रखना। देखो ए वैसे ही रहेगा, x की जगह x1 डाल दो, प्लस बी y की जगह y1 डाल दो, प्लस सी वैसे ही रहेगा, अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरे चीज़ मॉड में होगा। मॉड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव होगा इसलिए मॉड लगा देते हैं। मॉड मतलब पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो हेडिंग क्या है, अगर कोई एक पॉइंट गिवेन है और एक लाइन गिवेन है तो उस पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। और डिस्टेंस जब भी बात किया जाए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मतलब मैथ्स में हमेशा डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से एक पॉइंट का क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, ए है यहाँ पे एक्स वन डाल देंगे, यहाँ पे वाई वन डाल देंगे, बाकी सब सेम, फिर नीचे डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लास्ट थिंग, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर एक लाइन दिया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख लिया जाए, एक्स वाई, अगर एक ये लाइन है इस पे एक पॉइंट हम लोग को गिवन है एक्स वन वाई वन, एक लाइन एक पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन, और यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, और ये इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, देखना क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, कि ये एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, जैसे हम अगर क्वेश्चन पूछें कि एक पॉइंट है पी टू कॉमा थ्री और इससे आर डिस्टेंस, हाँ ऑन लाइन, कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कोई लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, कि एक पॉइंट है पी टू कॉमा थ्री ऑन लाइन दिस, फाइंड अनदर पॉइंट, फाइंड अनदर पॉइंट, फाइंड अनदर पॉइंट ऑन लाइन, उस लाइन पे ऑन लाइन, ठीक है, उस लाइन पे एक दूसरा पॉइंट बताएं एट एट 3 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस,
डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट पी दिया है 2.3, एक पॉइंट पी दिया है 2.3 ऑन लाइन दिस, एक लाइन है ये और इस लाइन पे एक पॉइंट दिया है x1 कॉमा वाई वन, यहाँ पे 2.3 दिया है ऑन लाइन, इस लाइन पे दिया है। फाइंड अनदर पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट पी निकाले, पी एक्स कॉमा वाई निकाले, ठीक है, एट 3 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ से एट आर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया किस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एट आर डिस्टेंस पे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अपना हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस अल्फा कॉस थीटा, और y का वैल्यू y1 प्लस आर साइन थीटा, और ये थीटा क्या है, थीटा इज स्लोप, ठीक है। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, तो वही थीटा है जो ये इंक्लाइनेशन, मतलब जो एक्स एक्सिस से जो हम बनाता है, ये एक्स एक्सिस अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते तो ये थीटा है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस से एंगल वाला थीटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है ये, दिस इज थीटा, ठीक है, वही टैन थीटा वाला थीटा, थीटा मतलब इंक्लाइनेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि अगर एक पॉइंट हम लोग को मालूम है, अगर एक पॉइंट मालूम है x1 y1 और दूसरा पॉइंट पूछा गया r डिस्टेंस पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है, x1 प्लस r sin थीटा x1 प्लस, ठीक है। तो देखा जाए कि क्या है इसमें, अगर एक पॉइंट हम लोग को गिवन है किसी लाइन पे, अगर एक लाइन गिवन है, ये एक लाइन गिवन है, इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, पहले हम लोग को एक लाइन गिवन होगा, उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन होगा, अब पूछा जाएगा कि इस लाइन पे एक दूसरा पॉइंट बताएं आर डिस्टेंस, ठीक है। और याद रखेंगे कि अगर प्लस है तो ऊपर होगा, ठीक है, और अगर माइनस आर अगर आएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये आप जैसे इस क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लस अगर आर अगर पॉजिटिव में है, यानी कि इस पॉइंट के इधर चला जाएगा, अगर आर अगर नेगेटिव में है तो इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 यूनिट ऊपर तो इधर 2 यूनिट नीचे तो -2, ठीक है, ये ऐसा रख देंगे आर का वैल्यू, वो आप जैसे जैसे बनाएंगे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट एक और इसमें चीज़ है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर हम लोग ओरिजिन अगर शिफ्ट कर देते हैं, अगर ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन 0.0 है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा एक एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, दूसरा एक एक्सिस बनाते हैं, ये न्यू वाई, मतलब आप इसको पहले समझ नहीं पाएंगे, इसको अच्छे से पहले फील करना है। देखो पहले से अपना जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो पहले से जो है वो गिवन है, अभी हमने क्या किया कि इस ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये h, k, ठीक है, इसको बोलेंगे ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिए h, k पे, ठीक है। ये पहले ओरिजिन था अपना 0.0, अभी हमने इसको उठा करके h, k ऊपर कर दिए, या फिर यहाँ नीचे कर दिए, कहीं भी कर दिए, ठीक है। h अगर पॉजिटिव होगा, k भी अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर जाएगा, h अगर नेगेटिव होगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है।
तो वो जनरल ये हो गया एच कॉमा के शिफ्ट कर दिए। अगर हमने ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिए, अगर ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिए, तो अब तुमसे पूछा गया है कि एक पॉइंट है,